Hello everyone, welcome back to my channel. And in this video we will learn that how we will implement the CRUD operation. और CRUD operation जो implement करेंगे वो बहुत ही basic से हम लोग start करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग एक form create करेंगे और जो form create करेंगे उसके अंदर में हम लोग लेंगे केवल 3 fields, item name, price and quantity. And based on the price and quantity, we will calculate the total price. और जैसे ही हम लोग save button को click करेंगे, तो save button को click करने के बाद जितने भी item हमारे पास save हो गए हैं database के अंदर में, वो सारे items इसके side में display करेगा. और इसके अंदर में जो item display करेगा, वो किस तरह से information store करेगा, वो इस तरह से दिखेगा. हमारा नीचे वाला जो block है, इसकी तरह. यहाँ पे हमारे पास item list होंगे. और यहाँ पे आइटम लिस्ट के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो होगा आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट. और उसके साइड में दो एक्शन बटन है हमारे पास, एक है एडिट करने के लिए और दूसरा है डिलीट करने के लिए. तो जैसे ही आप एडिट बटन के ऊपर में क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म के अंदर में जो भी प्रीवियसली आइटम आपने सेव किया हुआ है उस आइटम का डिटेल इस फॉर्म के अंदर में आएगा. और जैसे ही आप अपडेट करके और सेव बटन को क्लिक करोगे तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होगा वो अपडेट कर जाएगा. और नेक्स्ट जो आइकन है वो है ट्रैश का, ये तो आपको पता है कि डिलीट करने के लिए होता है. तो यहाँ पे जैसे ही आप डिलीट बटन को क्लिक करोगे तो जो भी रिलेटेड आइटम होगा उस आइटम के लिए आपसे एक बार कन्फर्मेशन पूछेगा दैट आर यू श्योर टू डिलीट द आइटम. अगर आप नो करोगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी डिलीटेड और जैसे ही आप यस करोगे तो आइटम डिलीट हो जाएगा. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ आवर CRUD ऑपरेशन. यहाँ पे क्रिएशन हो गया और यहाँ पे हमारे पास रीड ऑपरेशन हो जाएगा. जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे तो डेटाबेस से डेटा ला करके और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, तो रीड भी हो गया. और यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो जाएगा और ये हो जाएगा डिलीट. अब देखो ये सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैकेज की ज़रूरत होगी. अब इसमें कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हमारे पास है रिएक्ट हुक फॉर्म. और रिएक्ट हुक फॉर्म हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अगर आप हमारा प्लेलिस्ट देखते आ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मिला होगा कि रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने फॉर्म को वैलिडेट कर पाते हैं. तो ये जो हम लोग फॉर्म बनाएंगे अपडेट वाला और यहाँ पे जो है हमारे पास क्रिएट वाला, तो ये दोनों फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा रिएक्ट हुक फॉर्म का. और MongoDB आपको मालूम है कि हम लोग यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए और यहाँ पे हम लोग सारे डेटा को स्टोर करेंगे. और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा Prisma ORM का. हम लोग डायरेक्ट मोंगोज इसमें नहीं यूज़ करेंगे, मोंगोज तो आप लोग जानते हो, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, प्रिज्मा को भी यूज़ करो या फिर मोंगोज का यूज़ करो. प्रिज्मा चूंकि आज के डेट में इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा पॉपुलरली यूज होता है तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि चलो प्रिज्मा को ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. और रिएक्ट आइकॉन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आइकन हम लोगों को चाहिए होगा तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर रिएक्ट आइकॉन्स का. और बैकएंड प्रोसेस करने के लिए हम लोग या तो REST API का भी यूज कर सकते हैं या सर्वर एक्शन का यूज करो. और चूंकि हम लोग यूज कर रहे हैं Next.js 14 तो उसके अंदर में हम लोग यूज करेंगे सर्वर एक्शन का. नो डाउट आप REST API को भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं अभी सर्वर एक्शन का. तो इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे Next.js का सर्वर एक्शन. और डेटाबेस के अंदर में हम लोग जो रिकॉर्ड रखेंगे उसमें हम लोग आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट. आईडी ऑटो जनरेट होता है MongoDB में, ये तो आपको मालूम है. सो टोटल हमारे पास डेटाबेस के अंदर में 5 फील्ड्स हो गए, आईडी, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट. ऑलराइट, सो ये रहा टोटल हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू. अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक न्यू एप्लीकेशन. तो आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और वहाँ से स्टार्ट करते हैं installation of Next.js 14. So return back to our command prompt and here I will create a new application. So npx create next app and @latest
So it will install the latest version of Next.js 14. अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है, तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दो, जो भी आपको देना है। तो मैं डाल देता हूँ स्टॉक, एंड इट इज आस्किंग टू यूज द टाइप स्क्रिप्ट। अभी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, सो प्रेस नो, ESLint यस, Tailwind CSS यस, सोर्स डायरेक्टरी चाहिए बिल्कुल, ऐप राउटर चाहिए और ये तो नो है, एंड लेट देम टू इंस्टॉल ऑल द पैकेज एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग एप्लीकेशन। ऑल राइट, आवर नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने स्टॉक के अंदर में, सो सीडी एंड देन स्टॉक, एंड इनसाइड द स्टॉक वी हैव गॉट द डिफरेंट फाइल्स। अब हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने फेवरेट एडिटर को, सो लेट अस ओपन द कोड, वीएस कोड। Yes, I trust the author and close the welcome window. And here the installed files and folders. अब यहाँ पे source है, source के अंदर में app है और app के अंदर में हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी layout की and page.js। और अपने project को start करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ आप अपने command window पे and run your dev server. तो npm run dev. All right, so our server is up and running. So let's come back to our browser and run the application. All right, so we have got the first screen of Next.js new project. चलो सबसे पहले इस सारे चीजों को हम लोग हटा लेते हैं जो डिफॉल्ट कोड हम लोगों को मिला है यहाँ पे। सो ये जो हम लोगों को मिला है ना डिफॉल्ट कोड, पहले इन सारे कोड को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को बनाना है एक न्यू फॉर्म। और यहाँ पे जो फॉर्म हम लोग बनाने वाले हैं वो कौन सा फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास है क्रिएट फॉर्म। तो स्टॉक के अंदर में अगर आइटम को स्टोर करना चाहते हैं तो मुझे क्रिएट करने के लिए बनाने पड़ेंगे एक फॉर्म।